Children, welcome back. Let's start today's video. Class 1, Subject Reasoning, Chapter number 14, and it's our lecture number 16. Students, here we are continuing chapter number 14. So, let's see. In this video, today's subtopic is series and pattern completion number 1. Students, in the previous chapter, our chapter number was 14 and the chapter number was geometric shape, in which we learned how to arrange the geometric shapes in a pattern. Here we are doing सीरीज एंड पैटर्न कंप्लीशन, जिसमें हम सीरीज और पैटर्न को कंप्लीट करना सीखेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू डू पैटर्न, सीरीज एंड पैटर्न कंप्लीशन नंबर 1. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस ऑफ द series or pattern by observing the changes taking place in successive figure. Here I mean कि जो हमारे series और pattern completion होते हैं उसमें question में क्या होता है. In this type of questions we identify the operations. हम ऑपरेशंस मीन जो आपका पैटर्न है, जो भी ऑपरेशन है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं ऑफ द सीरीज और पैटर्न. जो भी पैटर्न में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मीन अगर सीरीज है तो सीरीज और अगर शेप्स है तो शेप्स, मीन्स सीरीज में नंबर है तो नंबर, शेप्स है तो शेप्स, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सक्सेसिव. और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं जो सक्सेसिव फिगर्स में हो रहे होते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर आई मीन कि आप पैटर्न के ऑपरेशंस, पैटर्न हो या सीरीज हो, उसके ऑपरेशंस को आप आइडेंटिफाई करते हैं और जो चेंजेस हो रहे होते हैं अगले वाले सीरीज, उस सीरीज में जो अगले नंबर में या पैटर्न में, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको ऑब्जर्व करके उसको फॉलो करते हैं कि उसके आगे आगे जैसे भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है हम उसको ध्यान से देखते हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट सीरीज, उस सीरीज में नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट शेप को फिल करते हैं. यू विल गेट इट बेटर बाय वन एग्जाम्पल. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1. हियर वी हैव शेप स्क्वेयर एंड वन सर्कल. स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि ये एक स्क्वेयर शेप है. स्क्वेयर शेप के लेफ्ट हैंड साइड पे, मीन्स इस तरफ में, बिल्कुल इस तरफ पे, उस कॉर्नर पे क्या है, सर्कल है. आफ्टर दैट अगेन स्क्वेयर, स्क्वेयर के वेरी राइट हैंड साइड, मींस बिल्कुल राइट हैंड साइड पे सर्कल है. पहले लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे, उसके बाद इस कॉर्नर पे, देखो पहले यहां कॉर्नर पे आएगा, उसके बाद इस कॉर्नर पे आएगा, उसके बाद आफ्टर दैट हियर इज द स्क्वेयर शेप एंड नाउ दिस सर्कल इज राइट हैंड साइड बट डाउन साइड. पहले इस वाले कॉर्नर में, फिर इस वाले कॉर्नर में, फिर इस वाले कॉर्नर में. नाउ वी हैव टू कंप्लीट द पैटर्न. हियर इज द डैश गिवन और इस डैश में आपको उस पैटर्न को कंप्लीट करना है. ओके, तो पहले इस वाले कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, अब कौन से कॉर्नर में होगी, इस वाले कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड के डाउन साइड. सो लेट्स सी, स्क्वेयर और स्क्वेयर के अंदर सर्कल, लेफ्ट हैंड साइड, द वेरी लेफ्ट हैंड साइड बट डाउन साइड. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इस तरफ है, फिर यहां, फिर यहां, अब यहां, तो ऐसे करके चारों कोने कवर कर लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2. हियर इज वन ओवल एंड वन ट्राइंगल. ओवल के अपसाइड, ऊपर की तरफ ट्राइंगल है ऑन ओवल, ओवल के ऊपर, अंडर ओवल, अब ओवल के नीचे, यहां ओवल के ऊपर और यहां ओवल के नीचे.
इन दिस वन ओवल के ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर आंसर में क्या होगा, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन अप एंड हियर डाउन साइड. ओके स्टूडेंट, सो हियर आर द एग्जांपल्स. आई होप यू हैव गॉट इट. स्टिल इफ यू डोंट गेट इट, आस्क मी इन ऑनलाइन क्लासेस. Now, students, it's time to take homework. And your homework is question number 1. Question number 2. Question number 3. In this one, you have to carefully observe the pattern. Ki is pattern mein kya khas baat hai? जो एक क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यू हैव टू ऑब्जर्व इट. ओके, फिर आपको इसमें डायरेक्शंस देखनी है. सो आई होप यू विल डू इट. इसमें मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर रही हूं बिकॉज इट इज द पैटर्न कंटिन्यूइंग, सो इट्स वेरी इजी. नो नीड टू टेक ऑप्शंस. आई नो यू आर सो स्मार्ट, आप इसको इजिली फॉलो कर, इसको इजिली कंप्लीट कर लेंगे. इट्स वेरी इजी. आपको इसमें ड्रॉ करनी है शेप्स, ऑप्शन चूज नहीं करने हैं. मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं. आपको इसमें जो नेक्स्ट होगी, आपको शेप ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी शेप्स देखूंगी कि आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं. नो नीड की वो बिल्कुल एग्जैक्टली कंप्यूटराइज्ड ही हो, आपको अपने हैंड से ड्रॉ करनी है. तो मैं, मुझे ये देखना है कि आप उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा. And no need to draw these shapes, only answer. Write the question number and then draw the answer shape. Okay students, आपको ये question वाली shapes draw नहीं करनी, आपको ये सारी shapes draw नहीं करनी. आपको क्या करना है, question number लिखना है, उसकी answer shape draw करनी है. Okay, जो भी next shape होगी वो आपको draw करनी है, सिर्फ answer वाली. ये question की shapes आप draw नहीं करेंगे, only answer shape जो यहाँ पर आएगी वो वाली shape को आप ड्रॉ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अपनी रीजनिंग नोटबुक में लेक्चर नंबर 16, चैप्टर नंबर 14 पूरा फॉर्मेट मेक करके और सिर्फ आंसर की शेप को आप ड्रॉ करेंगे. नो क्वेश्चन शेप्स यू विल ड्रॉ एंड मेंशन द आंसर नंबर आल्सो. सो हियर वी हैव डन दिस लेक्चर. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. इन प्रीवियस लेक्चर यू, आई गेव यू सम होमवर्क. लेट्स सी दैट सॉल्यूशन. 1, 2, 3 and 4 questions I gave to you. Let's see the first question. पहला question देखते हैं हम. ये आपका ये वाला पहला question है. तो आप इसमें देखेंगे upside triangle, downside triangle, upside triangle, downside triangle. Triangle का face ऊपर है, triangle का corner नीचे है. इसमें triangle का corner ऊपर है, इसमें triangle का corner नीचे है. तो नेक्स्ट कौन सा होगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर अप डाउन अप साइड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट्स अ काइट शेप ओवल, काइट ओवल. नेक्स्ट शेप इज काइट. देखो काइट ओवल, काइट ओवल, देन नेक्स्ट इज काइट. टर्न बाय टर्न है ना, जैसे आप प्ले करते हो तो पहले वन फ्रेंड की टर्न, फिर दूसरे फ्रेंड की टर्न, फिर फर्स्ट फ्रेंड की टर्न, फिर सेकंड की टर्न, फिर फर्स्ट की टर्न. ऐसे ये शेप्स भी गेम प्ले कर रही है यहाँ पे, है ना. देखो पहले ब्लू की टर्न, फिर येलो टर्न, ब्लू टर्न, येलो टर्न, फिर ब्लू टर्न. ऐसे काइट ओवल, काइट ओवल, देन काइट. नो चीटिंग, टर्न बाय टर्न प्ले करें ना. पैटर्न में भी ऐसा होता है, टर्न बाय टर्न होता है. जिसकी पहले टर्न होती है, फिर उसके बाद दूसरे की टर्न, फिर पहले की टर्न, फिर दूसरे की टर्न. इन दिस यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न वेरी केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 3, सो हियर वी हैव बाउंड्री सर्कल, फुलफिल सर्कल, डोनट शेप ना, जैसा डोनट होता है ना आपके पास,
boundary circle means hollow circle and filled circle. So donut shape, circle, donut shape, circle, then donut, or you can say hollow circle. Question number 4, plus minus तो आपको पता है मैथ्स में भी होते हैं प्लस माइनस. अब दिस टाइम प्लस, पहले प्लस की टर्न, फिर माइनस की टर्न, फिर प्लस की टर्न, फिर माइनस की टर्न, अब किसकी टर्न? प्लस की टर्न. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग, सबमिट योर होमवर्क सॉल्यूशन ऑन माय ईमेल आईडी दैट इज प्रिया वेस्ट अकेडमी 96@gmail.com. आपके मैथ्स होमवर्क के लिए आपकी आईडी है जिसपे आपको सबमिट करानी 95@gmail.com और रीजनिंग के लिए 96. दोनों की डिजिट्स आपको याद रखनी है, रिमाइंड करनी है. प्रिया वेस्ट अकेडमी 95 फॉर मैथ्स, प्रिया वेस्ट अकेडमी 96 फॉर रीजनिंग. दोनों के लिए आपके लिए मैंने सेपरेट आईडी क्रिएट की है, तो आपको क्रिस क्रॉस नहीं करनी है. अगर रीजनिंग का होमवर्क भेजना है तो 96 की आईडी यूज करनी है. इफ यू वांट टू सेंड मैथ होमवर्क देन यूज 95, प्रिया वेस्ट अकेडमी 95@gmail.com. डोंट सबमिट योर रीजनिंग होमवर्क ऑन मैथ्स ईमेल आईडी. ओके स्टूडेंट, सो क्लियरली आई हैव टोल्ड हियर, स्टिल इफ यू गॉट कंफ्यूज्ड आस्क टू मी. ओके स्टूडेंट, सो बिफोर गोइंग आई वुड कंसिडर सब्सक्रिप्शन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड विद मी. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ.